देश के पहले बूथ लूट कांड की कहानी। बिहार के इस गांव में हुई थी बूथ कैप्चरिंग। एक बाहुबली नेता के गुंडों ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। घटना याद कर सहम जाते हैं लोग। इससे पूरब डुमरी राजापुर मछा सब गांव है, कुल का बूथ था यहाँ रचियाहिए में। तो वोट ये गिराने का था, कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में चंद्रशेखर बाबू बिहट के थे, उनका पक्ष में वोट गिराने के लिए कुल आ रहे था। और रामदेरी थे सरजोग बाबू कांग्रेस पार्टी थे, वो लोग आके गांव को पूरा मारपीट किए, मारपीट करके जैसे उन लोग को घुरा दिए। कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में वोट गिर रहा था यहाँ, घुरा दिए और वो लोग बूथ कैप्चर करके ठेपा मार के दो चार बक्सा कुआ में गिरा दिए। भारत में जब चुनाव का माहौल बनता है तो विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के लोग बीजेपी पर ईवीएम में छेड़छाड़ कर जनता के वोट को लूटने का आरोप लगाते हैं। लेकिन जनता के वोट को लूटने की परंपरा कहां से शुरू हुई, ये कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल भारत में पहली बूथ लूट की घटना बेगूसराय के रचियाही में घटी। हर बार बेगूसराय की इस घटना की चर्चा जरूर होती है। आज से 66 साल पहले यानी 1957 के विधानसभा चुनाव में हुई वो घटना आज भी लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर मौजूद है। क्या थी घटना और उस समय के चश्मदीद क्या मानते हैं, इस घटना को लेकर सुनिए। कम्युनिस्ट पार्टी चंद्रशेखर बाबू का हम जनता सहयोग देने चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी सहयोग बाबू रहते हैं। तब की होले जब वोट कम्युनिस्ट पार्टी पक्ष में पड़े रहे, कांग्रेस पार्टी सरजी बाबू को रास्ता में तीन छोट मारपीट गाँव से बाहर पूरा बगल बोले यहाँ वोट से आयो मार रहे मोहर से पेटी के उठाए की करी पेटी उसने कुयां फेंक रहे कौन कुयां कुयां कहाँ कुयां। बेगूसराय जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर है ये चिरियाई। यहाँ पहले कचहरी टोल हुआ करता था और रामदीरी से सिमरिया तक के लोगों की जमीन की रसीद इस कचहरी टोल पर कटती थी। सन 1957 के विधानसभा चुनाव के लिए यही पोलिंग बूथ बनाया गया था। उस समय कचहरी टोल के इस बूथ पर रचियाही के अलावा 3 अन्य गांव के लोग मतदान करने आते थे। यहाँ हम लोग खड़ा है, ये खंडर के रूप में है। कभी यह ग्राम कचहरी हुआ करता था और वह ग्राम कचहरी जो अंग्रेज जमाने से हुआ करता था। और जब हम लोग अंग्रेज के हाथों से मुक्ति पाली और जब हमारे देश में चुनाव होना आरंभ हुआ, जब हमारे देश में दूसरा चुनाव हो रहा था, 1957 एक घटना घटी जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारे पूर्व बताते हैं कि जब दूसरा चुनाव हो रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यहाँ चुनाव हो रही थी, एक सरयू बाबू एक चंद्रशेखर बाबू के बीच। तो उसमें जो है हमारे ग्रामीण और इस क्षेत्र के लोग जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी को वोट कर रहे थे। तो पहली बार जो है कम्युनिस्ट पार्टी इस क्षेत्र में विजय पा रहे थे, इसे रोकने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है कुछ लोगों को भेजा गया हमारे गांव के पूरब, जहां जो है राजापुर डुमरी और उलाव के लोग जो है यहाँ वोट देने के लिए आ रहे थे। तो उन्हें जो है मारपीट कर उन्होंने भगा दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो है कुछ लोग यहाँ तक भी आए और यहाँ आने के बाद जो है बूथ कैप्चरिंग किए और जो है फर्जी वोट देकर देने के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पक्ष में जो वोट गिरा था उस बक्सा को उन्होंने जो है इस कुआं में गिरा दिए। और इसके बाद जो है FIR दर्ज भी हुआ है और यह घटना जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ और आज वह जो है इतिहास बन चुका है। लेकिन आज जो है उस घटना के बाद अब जो यहाँ भी चुनाव होती है वह शांतिपूर्ण रूप से चुनाव हो रही है। घटना 1997 से यहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट के वोट चले थे, वोट ज़्यादा जा रहे कम्युनिस्ट का। यहाँ सरजोग बाबू को पार्टी लिखने के दबंग रहती, दबंग पर बूथ के लूटपाट होले, मारपीट होले, यह सब घटना होले, वोट लेकर कांग्रेस के जा रहे, कम्युनिस्ट में जा रहे। तो कांग्रेस वाला लोग अपना दबंग दबंग दिख रहे, लेकिन बूथ कैप्चर करके लूट लेते। इस घटना को बेगूसराय के लोग बड़ी संजीदगी से देखते हैं। कई लोगों का मानना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की धरती के रूप में पहचान बनाने वाले बेगूसराय के लिए ये घटना एक दाग की तरह है। जब भी चुनाव आता है इसकी चर्चा जरूर होती है। हालांकि उस घटना के बाद कई चुनाव हुए लेकिन बूथ कैप्चरिंग की कोई वारदात नहीं हुई है। इतना कहानी जाने चाहिए, लूटपाट कांग्रेस में
कम्युनिस्ट रहे बेचारा वोट जा रहे ओकर आदमी सब कहे छे आ कांग्रेस रहे दबंग पार्टी वो अपन यहाँ आ करके लूटपाट कर लेके बस इतने हम रहते हैं चंद्रशेखर बाबू रहते हैं वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी भारत की प्रथम बूथ कैप्चरिंग की घटना को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस जिसके लाठी उसकी भैंस, कांग्रेस इसी नक्शे कदम पर चलते रही और अपने बेगूसराय में भी बूथ लूटने का कार्यक्रम होता था, देश में होता था, कांग्रेस के द्वारा होता था, सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस ही ये काम करती थी। हालांकि पिछले कई चुनाव से अब ईवीएम के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कई राजनीतिक दलों का आरोप है कि ईवीएम में भी तकनीकी रूप से हेर फेर कर वोटों की गड़बड़ी की जा सकती है। कई दल तो फिर से बैलेट से ही चुनाव कराने की भी मांग कर रहे हैं। जब भी बूथ कैप्चरिंग की बात आएगी बेगूसराय के रचियाही का नाम जरूर लिया जाएगा। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।